कि पुरुष भी अनादि है, पुरुष माना परमात्मा है ही है, उसकी न बिगनिंग है न एंड है, है ही है। ऐसे जो प्रकृति भी हमारी है ही है, वो भी अनादि है, वो बिगनिंगलेस एंडलेस है, और उसकी जो चीज चेंज होती है, फॉर्म उसका चेंज होता है, तो दूसरे के यूजफुल में काम आती है। अच्छा है ना, भगवान ने प्रकृति को चेंज किया, आज कोई घर से गया तो दूसरा तख्त लेगा, राजा एक मरेगा तो दूसरा जरूर आएगा, सास मरेगी तो बहु सास बनेगी। ऐसे जब भगवान चेंज न बनाए तो एक आदमी तो सूख जाएगा उसी काम में। तुम खुद ही चेंज चाहते हैं, अभी इस शहर में तंग हुआ अब दूसरे शहर में जाए, अभी ऐसे जाए अभी ऐसे जाए, तो भगवान ने ये प्रकृति में चेंज रखी तो खराब बात हुई नहीं। तुम ऐसे भी बोलते है तो रोज नई पिक्चर होवे और नई मूड होवे, नया कपड़ा होवे, नई हालत होवे, तो तुम किसी के मौत में मरता क्यों है? वो जाके किसी घर में जरूरत होगी तो तेरा बेटा उधर चला गया, किसी का बेटा तेरे पास आ गया, किसकी औरत तेरे पास आई, तुम्हारा कोई मम्मी दूसरे जगह गई, तो भगवान को खेल चलाना आता है या नहीं? और तुम बोलते है भगवान को खेल चलाना आता नहीं है, मेरा आदमी अच्छा था वो चला क्यों गया? तुम मेरा बोलते है ना तभी दुखी होता है। तुम बोलो कोई आता है कोई जाता है, ये है संसार की रीत, इसीलिए मैं कभी शोक नहीं करेगा। अर्जुन, शोक करना तुम्हारा धर्म ही नहीं है, कौन सी बात है जिसका तू शोक करेगा? आज गरीबी आए तो उसका अनुभव लियो तो गरीब की दिल कैसी होगी, आज तू विधवा है तो विधवा का अनुभव लियो वो कैसी दुखी होगी, आज तू सधवा है तो सधवा का अनुभव लियो तो वो कैसे सुखी होगी। तो भगवान ने लखे पाठ बनाया है अनुभव के लिए, तो ये भी अनुभव करके देखो, ये भी अनुभव करके देखो।